तो हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ देश की राजधानी न्यू दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है ट्रेन नंबर 15.28 न्यू दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में। तो न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में कई सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं जिसमें दो वंदे भारत एक्सप्रेस और शिवगंगा जैसी प्रीमियम सुपरफास्ट ट्रेन भी है और महामना एक्सप्रेस जैसे मॉडर्नाइज ट्रैक वाली ट्रेन है। लेकिन उसमें ना सबसे अलग रुतबा है इस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का। इसकी सबसे खास बात यह है कि न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में ये सबसे पहली डेडिकेटेड ट्रेन थी। काशी विश्वनाथ का इनॉग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1975 से ना ये इंडियन रेलवे में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस एक डेली रनिंग ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से निकलती है 11:35 पर और 17 घंटे 5 मिनट का सफर तय करके अगली सुबह ये बनारस के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। ट्रेन जाती है वाया गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, भदोही होते हुए ट्रेन बनारस तक अपना सफर को जाती है। चलिए तो आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। वैसे तो पहले एक बार इसमें ऑलरेडी एंड टू एंड जर्नी करी थी, दो पार्ट में मैंने उसे कवर किया था, सेकंड एसी अपनी जर्नी थी, लेकिन आज की अपनी यात्रा होने वाली है एसी थ्री टायर में। ये रहा आज का अपना कोच B9 AC3 टायर में अपनी जर्नी होगी। एक ISO सर्टिफाइड ये ट्रेन है और सच में मतलब फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका काफ़ी ठीक है, हालांकि थोड़ी सी पानी वगैरह गिरा दिया है, मेरे ख्याल से किसी ने वॉश बेसिन यूज़ किया है तो शायद उसी चक्कर में। बाकी अंदर से देखते हैं कैसी है। और भाई अभी सब पीक सीजन है ना तो ट्रेन पूरी पैक हो चुकी है लेकिन साफ सुथरी है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 4 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हो गया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से और इस पूरा न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म स्टेशन ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी ने स्पॉन्सर कर रखा हो। डेट ऑफ जर्नी आज की है 25 अप्रैल और इस वक्त टेम्परेचर करेंटली ना अर्ली 40s में है। एक्चुअली मैं 5 मिनट के लिए फ़ोन बाहर निकाल रहा हूँ ना, मेरा फ़ोन पूरा ऐसे हिट हो जा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अभी तो खैर गर्मी अपने पीक पे आई भी नहीं है। गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे काशी विश्वनाथ के अरावल टाइमिंग है 12:15 और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। अब न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में तकरीबन इसके 33 हॉल्ट्स हैं तो यार सारे हॉल्ट्स मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। उसके पीछे दो मेजर रीज़न ये है क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी इसका 2-3 महीने पहले ही एसी टू टायर में एंड टू एंड जर्नी करी थी और उसमें मैंने डिटेल में दो पार्ट में पूरा स्टॉप्स कवर किए थे, तो अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और दूसरा रीज़न है भाई कि इस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना समर सीज़न की ना, ये मेरी फर्स्ट जर्नी है मतलब इस साल की, तो भाई जैसे ही मतलब मैं एसी से बाहर निकल के अचानक से सर्दी गर्मी हो जा रहा है तो मतलब एकदम सर भारी सा होने लग जा रहा है तुरंत ही। गाजियाबाद को जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ से टोटल 3 अलग अलग डायरेक्शंस में लाइन चल जाती हैं। एक लाइन यहाँ से चल जाती है न्यू गाजियाबाद होते हुए आगे मेरठ की तरफ जहाँ से आप जा सकते हैं, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून की तरफ। एक लाइन यहाँ से चल जाती है जिसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं, चली जाती है हापुड़ के रास्ते मुरादाबाद की तरफ। और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे अलीगढ़ के रास्ते कानपुर की तरफ। हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हापुड़ ना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगे खुर्जा की तरफ जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से चल जाती है मेरठ की तरफ आगे जिससे आप जा सकते हैं देहरादून हरिद्वार की तरफ। एक ट्रेन चलती है सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस जो कि ना इसी रूट को फॉलो करती है। वो ट्रेन आती है प्रयागराज से, उसके बाद ट्रेन कानपुर, उसके बाद आती है अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद हापुड़, हापुड़ के बाद उसके बाद ट्रेन उसी रूट को फॉलो करके सीधा चल जाती है आगे देहरादून की तरफ।
यहाँ देखिए खुर्जा वाली लाइन हमसे अलग हो चुकी है, सिंगल लाइन सेक्शन है क्योंकि ब्रांच लाइन है और थोड़ी सी दूरी पर मात्र खुर्जा रेलवे स्टेशन है। गजरौलाना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक लाइन आगे चल जाती है चांद से आओगे रास्ते नजीमाबाद की तरफ और बहुत सारी ट्रेनें उस रूट को लेती है। दिल्ली से एक देहरादून के बीच में चलती है मसूरी एक्सप्रेस, वो यहीं गजरौला रेलवे स्टेशन पर आती है, उसके बाद यहाँ पे उसका रिवर्सल होता है और यहाँ से फिर वो चांद से आओगे रास्ते आगे नजीमाबाद होते हुए जाती है देहरादून की तरफ। आगे उसी रूट को आप लेके जा सकते हैं आगे कोट द्वार की तरफ, जिसके ऊपर चलती है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, हमारे देश की वन ऑफ द स्लोएस्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस उसे कहते हैं। एक तो हमारा कोच इतना आगे है, यानी पहले लोकोमोटिव है, उसके बाद ईओजी है, ईओजी के बाद HA1 है, H1 के बाद A2 है, A2 के बाद A1, A1 के बाद हमारा B9। मतलब यार इस रेलवे स्टेशन की एक बेस्ट चीज़ ये लगी कि स्टेशन पर आपको ना पेड़ पौधे वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे। करंटली इस वक्त ये कंडीशन है गजरौला रेलवे स्टेशन की, मुझे इस पेड़ ने बचा रखा है भाई, के नीचे आके मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, कम से कम धूप से छुटकारा तो मिल रखा है। स्टेशन की आप ये हालत देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मरम्मत वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, इधर शायद यहाँ पे इसको लेवल किया जाएगा क्योंकि पहले जो प्लेटफॉर्म्स थे काफ़ी छोटे हुआ करते थे यहाँ के। अब यहाँ नजीमाबाद गजरौला अलीगढ़ पैसेंजर स्पेशल में लगा है, देखिए ये स्पेशल ट्राई कलर लोकोमोटिव, मेरे ख्याल से ये WDP 3A है शायद, हाँ वही है, पुष्पक है इसका नाम, WDP 3A। वैसे जिन ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट नहीं होता है ना, वो इसे 100 से 110 की स्पीड में स्किप करती हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए पीतल नगरिया के है द ब्रास सिटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है 3:07 और यहाँ पे ये ट्रेन 8 का हॉल्ट लेती है। मुरादाबाद को पीतल नगरी इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ के जो ब्रास से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे आइटम हो गए, ग्लास वगैरह ये सब हो गए ना, इनके डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड से आती है और यहाँ के जो मतलब कारीगर होते हैं ना जो इन सब चीज़ों को बनाते हैं, उनके भी मतलब कारीगरी की ना बहुत तारीफ की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नॉर्दर्न रेलवे का ना मुरादाबाद एक डिवीजन है, इसके अलावा इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चल जाती है सहारनपुर होते हुए अम्बाला की तरफ और ये एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का। मुरादाबाद जंक्शन का स्टेशन कोड है MB। तकरीबन 268 ट्रेन आके यहाँ पे हॉल्ट लेती है एक्सक्लूडिंग स्पेशल ट्रेन, इसके अलावा यहाँ से 13 ट्रेन ओरिजिनल टर्मिनेट भी करती हैं। यह है मुरादाबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7, बिल्कुल 1 प्लेटफॉर्म के बगल में ही है। मुरादाबाद से निकलने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। रामपुर जंक्शन ना उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है और रामपुर से आपको ना एक चीज़ तो याद आती होगी, रामपुरी चाकू,
दरअसल ना यहाँ के ही रामपुरी चाकू बहुत ज़्यादा फेमस है। रामपुरी चाकू की स्पेशलिटी पता क्या था कि जो उसका ब्लेड होता था ना, सिंगल एज ब्लेड तकरीबन 9 से 12 इंच लंबी होती थी। तो इसी कारणवश ना इसको जो यहाँ के लोकल माफियाज वगैरह होते थे, जैसे गुंडे टाइप वगैरह हो गए थे, तो वो ही रामपुरी चाकू का यूज़ करते थे। तो इन द ईयर 1990s में उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ना रामपुरी चाकू पर एक तरह से बैन ही कर दिया और कह दिया कि कोई सा भी मतलब चाकू वगैरह जो है वो 4.5 इंच से ऊपर का नहीं होना चाहिए। रामपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे लाल कुआ हल्द्वानी होते हुए काट गोदाम की तरफ। मात्र 3 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। मोस्टली इस रूट पे आने जाने वाली ट्रेनों का हॉल्ट यहाँ पे दिया जाता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे न्यू दिल्ली काठ गोदाम शताब्दी एक्सप्रेस भी हॉल्ट लेती है। WDG4G गांधीधाम शेड। निर्धारित समय से तकरीबन 10 मिनट के विलंब से इसमें बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हुआ है। बरेली जंक्शन पे अपनी निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग थी दोपहर में 4:43। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। बरेली ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये भी एक मेजर सिटी है और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने आला हजरत श्राइन के लिए। दूसरा, बरेली के ना जो सूरमा होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, सूरमा एक तरह से काजल की तरह ही होता है जिसे आँखों में लगाया जाता है ताकि आँखों की रोशनी अच्छी रहे। इसे तो बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना, ये नॉर्दर्न रेलवे का पार्ट है, लेकिन बरेली सिटी के ही अंदर आता है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन, जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के ना 3 डिवीजन में से एक डिवीजन है। बाकी के 2 डिवीजन है इज्जत नगर के अलावा, लखनऊ डिवीजन, बनार डिवीजन। बरेली शहर को ना नाथ नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे शिव जी के टेम्पल है। इसके अलावा इसे झुमका सिटी भी कहते हैं। बरेली का ना झुमका से कोई लेना देना तो ऐसा कुछ है नहीं प्रोमिनेंट। वो तो 70s या 60s में एक मूवीज आई थी जिसके अंदर गाना था बरेली का झुमका, उसकी वजह से ना मतलब बरेली को लोग ज़्यादातर झुमकों की वजह से एसोसिएट करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा रियल में एसोसिएशन तो नहीं है। बरेली पहुँचते अभी तक हमने 257 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, यानी आप कह सकते हैं हमने एक तिहाई डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। बाकी यहां से तकरीबन अभी 500 किलोमीटर का अपना सफ़र और रहता है। 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा प्रस्थान यहां से हो चुका है। चलिए चलते हैं सीधा अपने कोच के अंदर। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारा डिपार्चर हो ही रहा था कि किसी पैसेंजर या किसी स्टाफ वगैरह ने शायद चैन पुलिंग कर दी है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, तो कोई पैसेंजर्स वगैरह अच्छे से बोर्ड नहीं कर पाए होंगे ट्रेन को। फाइनली 5 मिनट का एक्स्ट्रा हॉल्ट लेने के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से ना कई सारी ट्रेनें भी ओरिजिनेट करती है, जिसमें मुझे याद आता है बरेली न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसके अलावा बरेली भुज आला हजरत एक्सप्रेस। और मेरा भाई जल्द ही टारगेट है कि मैं जल्द से जल्द आला हजरत एक्सप्रेस को भी कवर करूं, क्योंकि वो जो रूट लेती है ना और जितने उसके हॉल्ट है ना भाई, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग है। एक तरह से वो समझ लीजिए काशी विश्वनाथ पार्ट 2 ही है। काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट्स होते हैं, लेकिन अपने रूट की वो भी बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेन है। एक चीज़ अच्छी है कि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो गर्मी से थोड़ी निजात मिलने लगी है। तकरीबन शाम के 6:30 बज रहे हैं, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। शाहजहाँपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हो रहा है। यहाँ पर भी हम अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से आए हैं।
ट्रेन का यहाँ वास्तविक पहुँचने का समय है शाम के 6:08। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आज से कुछ साल पहले तक नहीं ड्यूल गेज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से एक मीटर गेज लाइन चला करती थी जो कि जाया करती थी पीलीभीत की तरफ। बाद में उसको गेज कन्वर्जन करके उसको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसके बाद से इसे ना शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा है। फाइनली शाहजहाँपुर पहुँचते पहुँचते एक चीज़ अच्छी हो गई है कि भाई शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है तो भाई एक चीज़ है कि अब गर्मी से तो फाइनली निजात मिल गई है और अब थोड़ी थोड़ी मौसम में ठंडकी आ रही है और यही चीज़ मुझे चाहिए था क्योंकि यार मतलब भाई सुबह से एक तो एसी से बाहर आना फिर जाना मतलब आप समझ रहे हैं ना अचानक से गर्मी सर्दी उसके चक्कर में ना मेरे को भाई जुकाम सा भी हो गया। इस वक्त हम हरदोई रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपना अराइवल हुआ है। हरदोई रेलवे स्टेशन पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की पहुंचने की टाइमिंग है शाम को 7:06 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। 5 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। तकरीबन 60+ ट्रेन यहाँ पे आगे हॉल्ट लेती है इंक्लूडिंग सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि हमारे देश की सबसे पहली गरीब रथ ट्रेन है। इसके अलावा कई सारी सुपरफास्ट ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकती है। लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे दून एक्सप्रेस हो गई, सुपरफास्ट में जैसे चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस हो गई। देखिए ऐसा है ये हरदोई रेलवे स्टेशन, स्टेशन को मतलब रीडेवलप किया जा रहा है ताकि इसमें नई नई बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह ऐड कर दी जाए क्योंकि अभी तो फिलहाल ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बेसिक है। एक यहाँ पे बिल्डिंग है उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है रेलवे स्टेशन। तकरीबन वैसे 5 मिनट तो हॉल्ट यहाँ पे रुकी थी, वैसे 2 मिनट का इसका यहाँ पे कमर्शियल हॉल्ट है। लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारा अराइवल हुआ है। ऑन टाइम 9:05 पे हमारी ट्रेन लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। लखनऊ पहुंचते पहुंचते अभी तक हमने 492 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और अभी यहां से बनारस रेलवे स्टेशन की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर और है। अगर जर्नी एक्सपीरियंस अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ लखनऊ तक का, तो देखिए ट्रेन की क्लीननेस वगैरह काफ़ी सही है। ट्रेन में ऑनबोर्ड पेंट्री है जिसके ना वैरायटी वगैरह भी है, जैसे आपको वेज थाली वगैरह मिल जाएगी, उसके अलावा वेज बिरयानी एग बिरयानी मिल जाएगी, इसके अलावा कॉफ़ी मिल जाएगी, टी मिल जाएगा और ये दोनों आपको प्रीमिक्स भी मिल जाएगी और अपनी जो नॉर्मल बना के देते हैं वो वाली मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीमिक्स ही पिया करिए क्योंकि एटलीस्ट वो थोड़ी हाइजेनिक रहती है। इसके अलावा आपको ट्रेन में समोसे मिल जाएंगे और तो और मैगी वगैरह भी ट्रेन में सर्व हो रही थी और ये सारा चार्जेबल बेसिस पे है। और एक चीज़ है कि आप जो भी अंदर परचेज़ कीजिएगा ना वो IRCTC के मेन्यू के प्राइस के हिसाब से ही लीजिएगा क्योंकि अंदर ओवर चार्जिंग तो करेंगे लेकिन अगर आप बोलेंगे ना कि भैया इतने का ही आता है तो आपको उतने ही प्राइस में देंगे, आपसे बहस वगैरह नहीं करेंगे जैसे कि नॉर्मल बाकी सारी ट्रेनों में बहस वगैरह करने लगते हैं। आपको कंप्लेंट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको बोल दीजिएगा कि भैया इतने का ही मिलता है, वो आपको उतने का दे देंगे। हाँ अब भाई 4 पैसा उन्होंने भी कमाना है तो वो ट्राई करते हैं कि अगर महंगे में बेच पाए तो बेच ही देते हैं। बाकी यार लखनऊ के बारे में क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से हर तीसरी चौथी वीडियो में मैं उठा के आ जाता हूँ उधर लखनऊ और आप सभी के साथ कुछ ना कुछ शेयर करने लगता हूँ। फिर भी जो लोग पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा लखनऊ में 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, एक है लखनऊ चारबाग, दूसरा है लखनऊ जंक्शन NER रेलवे स्टेशन। दोनों एक दूसरे के आजू बाजू है। इसके अलावा ना इन दोनों को लखनऊ जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसे छोटी लाइन कहते हैं लोकली और जो लखनऊ चारबाग जिस पर अभी हमारी ट्रेन है ये इसे बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले यहाँ से ब्रॉड गेज ट्रेनें चला करती थी और लखनऊ जंक्शन से मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी। 20 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद फाइनली हमारा प्रस्थान हो चुका है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। लखनऊ से वैसे ना बनारस जाने के लिए 3 रूट हैं, एक वाया अयोध्या जाता है, दूसरा वाया रायबरेली जाता है, तीसरा वाया सुल्तानपुर जाता है। तो हम जाएंगे वाया रायबरेली होते हुए।
ऑन टाइम रात्रि के 10:40 पर इस वक्त हम आ चुके हैं रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। रायबरेली ने एक काफी प्रोमिनेंट और पॉलिटिकल हब रहा चुका है। रायबरेली का स्टेशन कोड है RBL और ये ना एक काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा रेलवे के पर्सपेक्टिव से भी ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ना सिर्फ कुछ ही जगह पे ना रेल कोच मतलब रेलवे के जो कोचेज होते हैं ना ये बनते हैं, जिसमें एक आता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, उसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री, अलावा आता है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसमें से एक ना यही रायबरेली में सिचुएटेड है जिसे कहते हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री। इतने साल कांग्रेस हमारे देश में राज किया है, मतलब इतने साल सत्ता में रही है, तो भाई यहाँ पे मतलब आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज़ वगैरह मिल जाएगी जो कि आसपास के एरिया में नहीं मिलती उस टाइम पे, जैसे यहाँ पे AIIMS है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं। रायबरेली जो है ना ये लखनऊ डिवीजन का पार्ट है और मात्र 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन का यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ अपने एक्चुअल टाइमिंग सुबह 4:40 से 15 मिनट बिफोर हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन बनारस रेलवे स्टेशन पे। जर्नी एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो देखिए यार ट्रेन काफ़ी कमाल की, एक ISO सर्टिफाइड ये ट्रेन है। ट्रेन में आपको क्लीननेस वगैरह वेल मेंटेन मिलेगी। इसके अलावा ट्रेन के अंदर आपको ऑनबोर्ड प्रिंटर की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको खाने पीने की कई तरह की वैरायटीज भी मिल जाएगी। हाँ, बस ये चीज़ है कि इसके हॉल्ट्स कई ज़्यादा है, लेकिन यार हॉल्ट्स वाली ट्रेन में ना होना का जरूरी है ना, क्योंकि जो उस रूट में 20 के जो छोटे मोटे स्टेशन के पैसेंजर हैं वो उनको आराम से उठाते हुए लेके आती है। और इसकी सबसे बेस्ट जो पार्ट है ना वो ये है कि इसमें ना एंड टू एंड जितनी बुकिंग नहीं है ना उससे ज़्यादा इसमें मतलब इंटरमीडिएट पैसेंजर्स के लिए बुकिंग रहती है। जैसे बहुत लोग दिल्ली से भदोही आते हैं, बहुत लोगों को मैंने दिल्ली से शाहजहाँ वो दिल्ली से हरदोई तक ट्रैवल करते हुए देखा है, तो मतलब उन सब लोगों के लिए ये ट्रेन तो लाइफ लाइन है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं फ्रिक्वेंटली तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। इसके अलावा बाकी सब कुछ मतलब ट्रेन का कमाल का था। हाँ, ये चीज़ है कि मैंने इसके हॉल्ट्स कुछ ज़्यादा मिस किया था, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भदोही मिस कर दिया है। इसके अलावा और भी कई सारे इंटरमीडिएट हॉल थे जिन्हें मैंने मिस किया, तो आप वो आराम से मेरी पिछले वाली जो वीडियोस है ना दो पार्ट में मैंने बनाई है उसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नहीं, मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी ट्रेन जर्नी, बस जर्नी या फ्लाइट जर्नी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहता तो फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद आप सभी को।